कॉल सेंटर के मखलूत माहौल में जॉब करना। समीर कर्नाटक इंडिया से पूछते हैं, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूं, वहां लड़कियां भी होती हैं, खुद बात करने की कोशिश करती हैं, नज़रों की हिफाजत नहीं हो पाती, क्या करूं? देखो अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि मखलूत माहौल से रोके लोगों को। इंडिया की गवर्नमेंट तो वैसे ही एक सेकुलर गवर्नमेंट है, वो क्यों रोकेगी? ये तो पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है वो नहीं रोक रहा मखलूत माहौल से। तो अब ये कि अगर आप इन चीज़ों की बेस पे जॉब छोड़ देंगे तो फिर रिस्क दरवाज़े बंद हो जाएंगे, आप जहाँ भी जाएंगे ये गुनाहों का माहौल ही है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जॉब करते रहें और नज़र की हिफाजत करें, फ्री ना हो, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। जब इंसान ऐसे माहौल में नया नया जाता है ना, जैसे जब एशियाई मुल्कों से लोग यूरोप जाते हैं ना, तो वहाँ जो बेपर्दगी का माहौल नज़र आता है तो एकदम पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं होता ये माहौल। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ जाके शुरू में ही नज़र की हिफाजत की, लड़कियों से फ्री नहीं हुए, तो फिर वो यूज़ टू हो जाते हैं, फिर उनको वो माहौल ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। तो मैं मिला हूँ यूरोप में कितने दीनदार लोग हैं, वो कहते हैं हम जब गए तो बहुत शुरू में हालत हमारी अजीब सी होती थी, लेकिन हमने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, रिजर्व रहे हम, लड़कियों से नहीं फ्री हुए, तो अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा अब हमारे वो जज्बात नहीं है, बुराइयों की तरफ हमारा जहन नहीं जाता, हम आदी हो गए इस माहौल के। तो आप भी ऐसा करें कि आप जॉब कर रहे हैं कॉल सेंटर में, जॉब छोड़ेंगे फिर कहाँ तलाश करेंगे? मुसलमानों के लिए रिस्क के दरवाज़े इस तरह तो बंद होते चले जाएँगे, ख़ासतौर पर दीनदारों के लिए। तो आप हत्तल इम्कान नज़र की हिफाजत करें, किसी से फ्री होने की कोशिश ना करें, थोड़े दिनों में ये बात फैल जाएगी सब में कि भाई ये बंदा नहीं फ्री होता। और मैं बार बार कहता हूँ जल्द से जल्द निकाह करें, शादी करें। कोई ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करें ना, तो सीधा सीधा बात करें कि आपने शादी करनी है तो अपने अब्बा अम्मा को भेजें, या मैं अपने अब्बा अम्मा को आपके घर भेजता हूँ, नहीं तो पतली गली से निकलो, इस तरह बात कर लिया करें। तो बशर्ते कि आपको पसंद भी हो, ऐसा ना हो कोई भी फ्री हो रही हो तो आप मेरा क्लिप चला के उसको शादी का पैगाम भेज दें। तो हिफाज़त करें अपनी नज़र की, इंशाल्लाह चंद दिन 40 दिन अगर आपने परहेज़ कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आप यूज़ टू हो जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे, फिर आप इस माहौल से इंशाल्लाह मुतासिर नहीं होंगे।